अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हुए हैं फोटोशूट के लिए। आज मेरे हस्बैंड मूड में हैं काफी, तो वो काफी फोटोशूट कर रहे हैं। और अगर आप लोग मेरे हस्बैंड की बनी हुई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप टिकटॉक पे फरहान एंड महम फैमिली के नाम से जो टिकटॉक अकाउंट है ना, उसको फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे ना मेरे हस्बैंड की बनी हुई वीडियोस आपको नजर आएंगी। मेरा अकाउंट तो महम खान यूएसए है ना, लेकिन मेरे हस्बैंड का अकाउंट है फरहान एंड महम फैमिली, तो उनको फॉलो करें क्योंकि वो आज बिल्कुल मूड में है और हमारा बहुत ज़्यादा फोटोशूट हो रहा है। ओके, तो गाइज अभी हम दूसरे घर जाने लगे हैं क्योंकि कल या परसों ईद है, तो जोया जाने का नाम नहीं ले रही, कह रही मैंने नहीं जाना, व्हाइट हाउस जाने लगे हैं। जयान को नींद आई हुई है और आज ना यहाँ पे सूरज ग्रहण लगा हुआ है, कह रही है मम्मा डोंट मेक अ वीडियो। आज ना यहाँ पे सूरज ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने निकलना है क्योंकि हमें जाना जरूरी है। लेट्स गो। सो जोया ने ये अपना पीछे बेड बनाया हुआ है, जोया इसको बेड बोलती है, यहाँ पे बैठती है और हम लोग इसी गाड़ी में जाने लगे हैं। जा रहे हैं दूसरे घर और ये देखें बाहर ना, क्योंकि सूरज ग्रहण लगा हुआ है तो मैंने ना ये शेड आगे कर दिया गाड़ी का, ताकि बच्चे को मतलब ब्रेज इसके ऊपर बैठ तो रही है लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से ये आए। माशाल्लाह। तो यार मुझे पता नहीं क्या हो गया हुआ है आजकल, मेरा बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का दिल नहीं करता। मतलब मैं थोड़ी सी वही टिकटॉक पर छोटे छोटे मिनी मिनी व्लॉग्स बना देती हूँ, वही काफी होते हैं मुझे। मतलब कि मेरा वॉइस ओवर करने का बाद में दिल नहीं करता, इस वजह से मैं व्लॉग्स बनाती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे ना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे और साथ में म्यूजिक लगा हुआ है, तो हम लोग ना इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं म्यूजिक को अगर लगाऊंगी ना तो ये कॉपीराइट का इशू दे देते हैं। और ये ईद से एक दिन का पहले, यानी कि ये चांद रात है हमारी, चांद रात पे हमने ये ड्रेसिंग की हुई थी और चांद रात होने वाली है, लाइक हम लोग निकलने वाले थे। प्लान हमारे इस बार ईद पे बहुत ज्यादा थे लेकिन पूरे हम कोई भी नहीं कर पाए। उसकी रीजन ये है कि बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तो बच्चे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते, लाइक यार वो बात बात पर रोना शुरू कर देते हैं, थक जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हमने चांद मेले पे जाना था इस बार, वो भी नहीं जा सके। फिर ईद वाले दिन एक कॉन्सर्ट था, वो भी नहीं अटेंड कर सके क्योंकि हमारे घर गेस्ट आने थे। तो बस हम कुछ भी नहीं कर सके ना सही तरह से इस ईद पे इस बार। किस तरह की आ रही है, शेड में आ रही है, डायरेक्ट नहीं आ रही, मतलब के प्रॉपर यहाँ पे ना सूरज ग्रहण लगा हुआ है इस टाइम। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए, हम लोगों ने आज फर्स्ट टाइम ना इसमें है और मौसम बहुत अच्छा है। और ये देखें जोया, हाय मेरा बच्चा, ये हम सब माशाल्लाह से हमारी फैमिली, ये वी आर गोइंग। जोया आर यू एंजॉयिंग? तुम इसके बात दो, उतरो उतरो चल जाओ। अभी ना ये जोया के स्कूल में हम इसको लेके आए हैं, इसकी स्लाइड स्कूल की स्लाइड पे, ताकि जोया यहाँ पे स्लाइड पे एंजॉय कर सके। नहीं होते आए मेरा न्यू जोया, माशाल्लाह बड़ी खुश है इस स्लाइड पे। वाओ वाओ, आओ मेरा बच्चा। जयान खड़ा होके देख रहा बस, बी केयरफुल। ये He wants to go. He wants to play with you. Hey, meri chanda pyari. मेरी जान ली टोटी। ऐसे माँ बाप की वाकई यही खुशियाँ होती हैं, बच्चों को देख देख के ना माँ बाप खुश होते हैं, ये काम करते हुए देख देख के ना माँ बाप यही। ये जयान ना थोड़ा सा डर रहा है, और ये देखें ये सारी ना काली गोरियाँ, और ये वो मेरे हस्बैंड खड़े हैं फोन पर बात कर रहे हैं, जोया खेल रही है, जयान डर रहा है, वो देखें काली गोरियाँ सारी लगी हुई हैं, और इधर दो आंटियाँ बैठ के बात कर रही हैं, काली आंटियाँ मतलब गोरी काली आंटियाँ। तो बेटी नो, ही कैन
ही कैन फॉल नो देन कम बैक आप ही को जाने तो जाओ जोया यू कैन गो ना मैं आप लोगों को प्रॉपर यहाँ की कम्युनिटी दिखाती हूँ जिस कम्युनिटी में हमारा घर है ये देखें कितनी खूबसूरत है ये देखें कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं जगह जगह पे कम्युनिटी के अंदर ठीक है और ये कम्युनिटी बड़ी खूबसूरत है ओवरऑल ना इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ट्रीज हैं और ये है नॉर्दर्न वर्जीनिया क्या जो लोग यूएसए से देखते हैं वो फिर पूछते हैं कि कौन सी जगह है तो कौन सी स्टेट है तो ये नॉर्दर्न वर्जीनिया है तो ये देखें ये प्रॉपर आप लोगों को फील आएगी ये घर है और हम अपने घर तक जाने की ना मैं आपको पूरी आज कम्युनिटी की वो दिखाती हूँ फील कराती हूँ सरताज कैसा फील हो रहा है आप लोगों का ये घर देख के कैसी फील आ रही है जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं वो कहते हैं ना घर बड़े बड़े हैं और लेकिन अंदर रहने वाले इंसान बहुत कम है पाकिस्तान में घर छोटे हैं लेकिन रहने वाले माशाल्लाह काफ़ी हैं तो खुशियाँ वहाँ होती हैं जहाँ मतलब डिपेंड करता है यहाँ पे अलग तरह की खुशी है वहाँ पे अलग तरह की खुशी है समझ लें कि यहाँ पे पैसे की खुशी है वहाँ पे फैमिलीज की खुशी है लेकिन दोनों खुशियाँ एक साथ नहीं मिलती ये सीन है ज़यान पीछे अपनी कार सीट में बैठा हुआ है मतलब कि और ज़ोया भी बैठी हुई है और उनकी वीडियोस नहीं बनाना चाहती मेरा बेटा और मेरी बेटी क्या कर रहे हैं यू आर एंजॉयिंग द कार राइट यानी ये कोई और स्लाइड्स हैं इस कम्युनिटी में कितनी स्लाइड्स हैं ये भी है हाँ बास्केटबॉल कोर्ट भी है इसी कम्युनिटी में वो उस तरफ भी है पता है उस तरफ भी है जो जिस स्लाइड में मैं इनको लेके जाती हूँ उस तरफ भी है वो मुझे लगता है सबसे नियरेस्ट पड़ती है वो वाली स्लाइड है ये ज्यादा करीब है हमारे घर ये इस तरफ को आके है ओके मैं तो बच्चों को स्लाइड पे ले जाएं मैं तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई मैं गाड़ी में बैठ के वेट करती हूँ इनका ये माशाल्लाह से हम चारों हमारी प्यारी सी क्यूट सी फैमिली जोया जोया बेबी अभी जोया को आइसक्रीम मिलने लगी है ये अब जोया को आइसक्रीम लेके दी है इसके पापा ने आज यहाँ पे ईद है ये मैंने ड्रेसिंग की है हम लोग बाहर निकले हैं और बाहर इस टाइम मौसम बहुत खूबसूरत है ये देखेंगे मैंने मेहंदी लगाई थी खुद ही और मैं आपको जोया जयान भी दिखाती हूँ जोया जयान इधर आओ मेरी बेटी नो देर इज नो स्पाइडर कम हियर इन द वीडियो आई मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही माशाल्लाह मेरी बेटी को देखें और अभी हम लोग ना वॉक के लिए निकले हैं मैं अपनी फैमिली के साथ हमने कहा हमारे घर कुछ मतलब मेरे हस्बैंड के कज़न आ रहे हैं तो हमने कहा कि चलो यार उनके आने से पहले ना हम वॉक करके आते हैं थोड़े से और ये देखें और ये कम्युनिटी इतनी खूबसूरत है जिसमें हम रहते हैं इतनी खूबसूरत इतने कलरफुल फ्लावर्स हैं कि यार बाहर निकलते ना आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है लाइक पता है ना दरख्तों से भी बंदे का मूड अच्छा होता है तो यार बहुत खूबसूरत कम्युनिटी है मतलब आई लव दिस कम्युनिटी एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने यहाँ पे घर लिया है मतलब आई फील वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको उनकी विशेज़ के घर दें और ये मतलब बहुत खूबसूरत जगह है आज यहाँ पर ईद का दूसरा दिन है बच्चे मेरे सो रहे हैं और मैं भी लेटी हुई हूँ क्योंकि और कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज इतने प्यारे हालांकि कपड़े पहने हैं फिर भी मैं लेजी हुई पड़ी हूँ ये देखिए मैंने ना ये वाला ड्रेस पहना था प्यारा तो बहुत लग रहा था लेकिन ना दिल
भाई बारिश हो रही है, मौसम बड़ा अजीब हुआ हुआ है। तो ये मैं ईद का व्लॉग बना रही हूँ। आई डोंट नो कि मैं ये अपलोड कब करूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आगे से आगे करके ज़रा लेट ही अपलोड करूँ। तो लेट्स सी के कब अपलोड करती हूँ। तो गाइज यहाँ पे करूँगी मैं व्लॉग का एंड, क्योंकि ईद मेरी कोई बहुत अच्छी नहीं गुजरी। सारा टाइम घर में काम करते गुजर गया, पहले दिन भी मेहमान आए, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, ठीक है। मेनली ये है कि ना, जब पता नहीं क्या बात करने लगी थी। खैर आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा।